स्वामी संदीप ओमकार की हुंकार, बीजेपी ने मेरे साथ और मेरी जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा यानी कमर में छुरा मारने वाला काम किया है और अब मैं आजाद इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। मेरी जनता का यह फैसला है कि आप आजाद इलेक्शन लड़ेंगे और हम आपको जिता करके भारी मतों से विजयी बनाएंगे। बीजेपी ने धोखा किया है आपसे, लेकिन जनता धोखा नहीं करेगी। जनता पहले भी आपके साथ ही और जनता आपके साथ है। सुन ले बीजेपी वाले पब्लिक की आवाज। बीजेपी अपने अपनी पिहोवा को जीती हुई सीट को खो दिया है और स्वामी संदीप ओमकार जिनकी आपके टिकट न देकर बहुत भारी अपना नुकसान किया है। पब्लिक अब सभी संदीप ओमकार के साथ थी, अब टिकट नहीं है तब भी संदीप ओमकार के साथ है। बीजेपी जब तक आपके पिहोवा की सीट को देखा नहीं था, लेकिन अब मौका था जो खो दिया है। किसी की 3 साल की मेहनत पर जो आपने पानी फेरा है, आपका खामियाजा पार्टी भुगतेगी। और स्वामी संदीप ओमकार ने कहा कि मेरी पहले से जीत थी और आज भी जीत है, टिकट नहीं तो क्या हुआ। पब्लिक तो आज भी मेरे साथ है और मेरी ताकत है, पब्लिक मेरे साथ है। बता रहे हो कि यहां पे पूरे हरियाणा के अंदर जी मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं आने वाले कट्टर सरकार को नहीं आने दूंगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं पूरे हरियाणा के स्टेट प्रधान मजदूर यूनियन संघ से। और बोल जी, इन्होंने बताया हरियाणा की तरफ से, लेकिन हम चाहते हैं कि यहां पे पिहोवा में किस प्रकार की रणनीति रहेगी। रणनीति यही रहेगी कि अब इस पूरी जनता जो है स्वामी जी के साथ खड़ी है और जो स्वामी जी ने 2.5 साल से जनता के लिए किया है, जनता के एक एक घर में घूम के जो भाजपा का मान सम्मान पेवा के अंदर बढ़ाया था, भाजपा के पास ये चांस था कि पेवा से अपनी सीट आराम से निकाल सकती थी, लेकिन अभी भाजपा ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी वो भाजपा यहाँ से कोई भी सीट नहीं निकाल सकती, जीतेगा तो यहाँ से स्वामी संदीप ओमकार ही। जी हाँ, अब बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी का यहाँ ऐसे है कि स्वामी ओमकार जी के आगे वो कहीं भी नहीं खड़े होते, क्योंकि स्वामी ओमकार जी के साथ मैं सदा गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में हर जगह गया हूँ, हर जगह उनका फुल समर्थन हुआ है। और वो तो एक चीज़ और है, पहले सिर्फ यहाँ पे बीजेपी का नाम नहीं था, वो तो स्वामी संदीप ओमकार जी को लोग प्यार देते हैं और उसी प्यार के सहारे आज इनको हमने आज़ाद के लिए मजबूर किया है। और आज सबसे बड़ी जीत हम इनको देंगे, झोली में डाल। क्या कहेंगे और अब क्या? देखिए, बीजेपी ने धोखा करा है, मेरे साथ ही नहीं करा, पूरे पेवा हल्के की जनता के साथ करा है। और जनता ने ये कहा है कि टिकट कोई जीत का मंत्र नहीं है, वोट हमने डालनी है, आप इलेक्शन लड़ो, हम आपको वोट डालेंगे और विजय बनाएंगे। और जनता ने जो मुझे कहा है उसी के अनुसार मैं इलेक्शन लड़ूंगा, आजाद प्रत्याशी के रूप में इलेक्शन लड़ूंगा। तो क्या रणनीति रहेगी अब डे टू बाय, जैसे आप लगातार चल रहे हो, अब क्या रणनीति तैयार करोगे? ऐसे ही मेरी डोर टू डोर कैंपेन जो पूरे पेवा हल्के के लोग दिन रात कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे प्रति जो हमारे पेवा की जनता अपने प्रति डोर टू डोर कैंपेन करेगी। और वीरवार के दिन सुबह मैं नॉमिनेशन भरूंगा और दिखाना चाहूंगा, जो लोग ये सोचते हैं मात्र टिकट से जीत होती है, उन लोगों को दिखाना चाहूंगी लोगों के साथ धोखा करके क्या बनता है। ये धोखा जो जनता उनको देकर दिखाएगी, जो सोच रहे हैं अब की बार 75 बार अब के वर्ष